हमारा काम था खेती में माँ की मदद करना। दिन भर की मेहनत के बाद 30-35 रुपये कमा पाता था। डीडीयू जीकेवाई की ट्रेनिंग के बाद पहले आए फसल काटने से कपड़ा काटने तक और फिर कंप्यूटर तक। अब मैं ऑटो कैड पर डिजाइनिंग करता हूँ, छोटी बहन की पढ़ाई करा रहा हूँ, गांव में घर भी बना लिया है। बीता हुआ कल तो बहुत पुरानी बात है, अब मैं आगे की सोचता हूँ। ऐसे ही बदल रही हैं लाखों जिंदगियां डीडीयू जीकेवाई की ट्रेनिंग से। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की डीडीयू जीकेवाई और आरसीटी योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। Namaskar and welcome to New India Sankalp. Khadi is the fabric of our country. Khadi symbolizes our freedom struggle. Khadi also is synonymous with our cultural ethnicity and the ethos of our country. To aaj baat khadi ki. Khadi cool ho gaya hai, khadi chic ho gaya hai, khadi trendy ho gaya hai. Kya kuch kar sakte hai hum aur aap इसके विकास के लिए। Joining me today is a very interesting panel, friends. But before I introduce them to you, let's talk about Khadi. Let's reinvent Khadi. Let's rediscover Khadi. Let's celebrate Khadi. And for now, let's look at Khadi, Man Ki Baat. Khadi एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। और मैंने देखा कि इन दिनों Khadi के प्रति काफी रुचि बढ़ी है। और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि मैं कोई खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भांति भांति के फैब्रिक होते हैं तो एक खादी क्यों ना हो। घर में चादर हो, रुमाल हो, कर्टेन हो। अनुभव ये आया है कि युवा पीढ़ी में खादी का आकर्षण बढ़ गया है, खादी की बिक्री बढ़ी है। और उसके कारण गरीब के घर में सीधा सीधा रोजगारी का संबंध जुड़ गया है। नई पीढ़ी को आधुनिक रूप से निर्माण कार्य करने में, बुनने में, नई चीजें बनाने में एक मदद मिलेगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस भी दिवाली में जब गिफ्ट देते हैं तो इन दिनों खादी की चीजें देना शुरू किए हैं। लोग भी एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में खादी की चीजें देना शुरू किए हैं। एक सहज रूप से चीज कैसे आगे बढ़ती है ये हम सब अनुभव करते हैं। That was indeed a wonderful clip. As the Prime Minister has rightly said many times, Khadi for fashion, Khadi for nation. And on this note, I'd like you to meet our special guests today. We are joined by the man behind the Khadi movement in India, Mr. Vinay Kumar Saxena, Chairman KVIC. Bahut bahut swagat hai aapka. Namaskar. And Paridhi Gaurav Sharma, she's also the woman behind Sankalp for Khadi and Signature for Khadi. Thank you so much for joining us today. And of course, the diva of the fashion industry of India. It is indeed my honor and privilege to introduce to you Ritu Beri. Thank you so much, Ritu ji, for sparing the time to come here and talk about Khadi today. To shuruaat main aapse karungi, Vinay ji. Jaise Prime Minister ne kai baar kaha hai, Khadi for fashion, Khadi for nation.
आप किस तरह से पिछले चार सालों को देखते हैं? What is the kind of push you have given? Because after all, you are the person responsible. मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ यही नहीं कहा कि खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, पर बाद में उन्होंने ये भी कहा खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. और उस मकसद को हम लोग पूरा करने के लिए पूरी पुरजोर काम कर रहे हैं. मैं कुछ फिगर्स आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 2004 से 2014 में अगर आप खादी की ग्रोथ को देखें तो उसने कभी डबल डिजिट को टच नहीं किया था. और उसका एवरेज ग्रोथ जो था वो 6.65% था. लेकिन अगर इन चार सालों में देखें 2014 के बाद, तो खादी की ग्रोथ जो है 133% हुई है, जो अपने में एक कीर्तिमान है. उसके साथ साथ जो खादी का सबसे बड़ा टूल है चरखा, अगर वो आप देखें कि 2004 से 2014 में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हमारे आर्टिजन्स को, कितने चरखे, कितने लूम्स दिए गए, तो शायद आप सरप्राइज कर जाएंगे कि उस फिगर को सुनकर कि मात्र 175 चरखे जो है उस पीरियड में दिए गए 10 साल के पीरियड में. लेकिन इस छोटे से चार साल के पीरियड में हम लोगों ने 31,000 चरखे जो है अपने खादी आर्टिजन्स को दिए. और 31,000 चरखे का मतलब है कि 31,000 फैमिली जो हैं उससे जुड़ गई, 6,000 लूम्स जो हैं हम लोगों ने उनको दिए हैं. तो खादी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे शायद गांधी जी ने आज़ादी के पहले जो रिकग्नाइज किया था, और वो आज शायद मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 70 साल के बाद अगर किसी ने दोबारा उसे रिकग्नाइज किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं. और शायद उनकी अपील में वो पावर है कि यूथ जो है उससे जुड़ता चला जा रहा है, इसी वजह से खादी की ग्रोथ इतनी बढ़ गई है. लास्ट ईयर का भी टर्नओवर हम लोगों का जो है करीब 2,509 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 25% ज़्यादा है. तो ये खादी की जो ग्रोथ है, जब खादी की ग्रोथ होती है तो नेचुरली देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. देश के अंदर जो है जो रोज़गारी जो बहुत कम कहा जाता कि हो रही है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. और जब खादी का कपड़ा बिकता है तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी मन की बात वाली जो आपने क्लिप चलाई उसमें कहा, वो एक गरीब का परिवार जो है उसको रोज़गार मिलता है, उसके घर में दिया जलता है. तो खादी जो है सिर्फ वस्त्र नहीं है, जो आपने जैसा कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि विचार है, और उसके साथ साथ इस विचार को कितना आगे ले जाना है ये KVIC का एक एम है और मिशन मोड है. जी हाँ, और हम उस लोग जो हैं उसको मिशन मोड पे काम कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. और जैसे आपने कहा स्वदेशी या जो मूवमेंट थी गांधी जी की, कपड़ा एक तरह से आवाज बना था, आजादी की आवाज, क्योंकि हमने विदेशी कपड़ा जलाया था भारत में, तो पहली आवाज जो था वो कपड़ा बना था. परिधि, यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने एक मिशन मोड में संकल्प फॉर खादी शुरू किया, तो ये ख्याल कैसे जहन में आया आपके? संकल्प फॉर खादी जब मैंने शुरू किया तो वो मैंने शुरुआत उसकी क्लस्टर से जाकर इंस्पायर होकर करी. जब मैंने महिलाओं को देखा कि वो किस तरीके से अपनी पूरा टाइम वो एक सूत काटने में लगाकर, उनका जो श्रम लगता है सूत काटने को लेकर सब चीज़ों को, तो वहाँ से मेरा एक इंस्पिरेशन मुझे मिली कि मुझे एक अभियान चलाना है जिसको मैं यूथ के, आप देख रहे हैं कि यूथ जो है आजकल का वेस्टर्न कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, उनको अपने सस्टेनेबल फैब्रिक जो उनका खुद का एक सिग्नेचर फैब्रिक है जो खादी है उसकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए मैंने जब ये सोचा कि संकल्प और खादी हम यूथ के अंदर प्रोपोगेट करें एक नए स्टाइल से, हम उनसे ये बोले कि वेयर खादी इन अ मोस्ट स्टाइलिश वे. स्टाइलिश वे मतलब खादी को हम एक ट्रेंडी तरीके से बना के बात करें. और अगर हम इसी तरीके से यूथ को इंस्पायर कर पाए तो एटलीस्ट अगर हम 10% भी इसको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं यूथ को इसमें, तो कितने लाख लोग इस अभियान के साथ जुड़ने के बाद कितने लाखों लोगों को वो काम हम परमानेंटली दे सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड टॉकिंग ऑफ स्टाइल, दे कुड बी नो बेटर स्टाइल स्टेटमेंट देन रितु बेरी हियर. ऑल ऑफ अस डू एग्री, शी इज द स्टाइल स्टेटमेंट एंड द ट्रेंड सेटर इन इंडिया. सो रितु मैम, हाउ डू यू सी खादी ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज अक्रॉस द ग्लोब? फॉर मी खादी, as everyone says, and I think Mahatma Gandhi was the first one who said it, and our Honorable Prime Minister has very rightly picked up that khadi ek vichar nahi vastra nahi vichar hai, is so appropriate that khadi is a real emotional mood for India. If we think about a brand from India, we think of yoga for one, again thanks to Honorable Prime Minister. Absolutely. Swachh Bharat. And the other, no, as a brand from India. Okay. So the other product that can be a real Indian brand, it's got a great story, it's got history, it's really a modern fabric. It's a very luxurious fabric because globally everyone is looking at things that are unique.
And khadi is very unique because the fabric is hand woven, hand spun. You cannot have identical fabric, so it makes it very desirable to people who know interesting things in fashion. So and zero carbon. Of course, that is very important now with the eco-friendly mood everywhere, all over the world. And it's so we have a beautiful story in khadi. We have a very saleable concept. We have a very, very saleable and marketable product here. The whole idea is to put it together with the times, which is what under Mr. Saxena's leadership, we are all trying to work to do, is to package it in a way that globally it looks like part of the world fabric, but it retains the authenticity of India, which is very important because we have to be proud of what's Indian and not ape the West. And khadi has this very unique fabric. Jahan bhi main gayi hoon, jahan bhi main, agar main khadi pehen ke gayi hoon, everyone said, is that linen? It starts like that. And then I tell them that this is our national fabric. This is from India. And then I know my friends, they've been to the khadi bandar wearing their own kurtas because for them it's that chicken and that cotton kurtas. And they've taken it off and bought like 100 khadi. We did a concept which was called the Vichar Vastra. It was a very simple kurta style tunic which was unisex. Very trendy with the times, but still Indian in its look. Yeah, I came for that. Yes. And it could be worn by with a trouser. It could be worn with a skirt. It could be. It was very versatile in its. It was easy to wear. So I have friends who, whenever I'm coming and I say, "What do you want from India?" That's the one thing they ask for. It's the Vichar Vastra. So and it's so easy to carry, and it works because it's got the brightness of India, the colors of. Khadi comes in fabulous colors. So I think khadi is the right brand India which has to take over the world. Absolutely. And like you just said, you know, khadi comes in many colors. So that old concept ki, you know, khadi is just a white dhoti or maybe just a white kurta is now suddenly being, you know, absolutely torn apart by this khadi revolution that has come up. And now, you know, you find a grandfather wearing a cool khadi kurta and the grandson also emulating the same. Absolutely. So, ye bahut badhiya cheez ek hui hai. Yahan pe main aap se janna chahungi kuch Gandhian vichar ke baare mein, kuch charkhe se jude hue, kyunki aapne ek bahut bada charkha IGI airport pe lagaya hai, which is monumental in itself. Main batana chahunga ki jo charkha, jo world ka largest charkha, jo T3 IGI एयरपोर्ट पर लगाया गया 2016 में, उसके पीछे भी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विज़न था. उनका विज़न है कि चरखा जो इस देश की धरोहर है उसके बारे में लोग जाने, उसे पहचाने, और ये वो टूल है जिसने हमें आज़ादी दिलाई. इसी वजह से एयरपोर्ट को सेलेक्ट किया गया कि वहाँ पर ही इस चरखे को लगाया जाए. मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि लगभग 2.5 लाख लोग जो उस एयरपोर्ट से रोज आते और जाते हैं, उसमें 10,000 लोग जो हैं वहां पर सेल्फी लेते हैं उस चरखे के साथ. आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने सारे लोग जब उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं तो कितना पॉपुलर हो जा रहे हैं, तो चरखा कितना पॉपुलर हो रहा है. मगर एक छोटा सा सवाल यहां पे मैं सब क्वेश्चन पूछूंगी. आपने कहा एयरपोर्ट पे, तो जब इतना बड़ा चरखा बना और इस साइज का चरखा बना, तो लोगों को तकलीफ नहीं हुई जाने आने में सामान में जब बन रहा था? जी बिल्कुल भी नहीं. ये चरखा अहमदाबाद में बना और भाई बहुत हाई क्वालिटी टीक वुड का बना हुआ है, और उसको बिल्कुल जो है पैक करके इस तरीके से लाया गया, और वो जो फंक्शन भी वहाँ किया गया उसमें भी किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, और हम लोगों ने इसको गेट नंबर 4 और 5 के बीच में लगाया है, जिससे पब्लिक को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है. बिल्कुल भी कहीं पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती है. उसके बाद उससे जो इंकरेजमेंट मिला, उसका सेकेंड हम लोगों ने पार्ट जो है यहाँ पर कनाट प्लेस में एक जगह थी जो पालिका बाज़ार के ऊपर है, और वो जगह एक्चुअली जो थी बहुत मिसयूज़ हुआ करती थी. शाम के वक्त उसमें जो है ड्रग एडिक्ट्स वगैरह बैठा करते थे और एंटी सोशल एलिमेंट्स भी वहाँ हुआ करते थे. हम लोगों ने NDMC से बात करी कि आप ये जगह हमें दे दें, तो हम यहाँ पर चरखा म्यूज़ियम बनाएं और साथ में एक
स्टील का चरखा लगाएं। Oh, lovely. और वो जगह आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ एवरेज जो है करीब 500 लोग पर डे उस चरखा म्यूजियम में विजिट करते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं, और अभी तक करीब 1,17,000 लोगों ने उसमें विजिट कर लिया है। 20 रुपये का एक टिकट है, और उसकी भी एक यूनिकनेस है, जो उसका टिकट है वो दो तरीके टिकट है, जो खादी के चरखे से जो गुंडी माला बनती है खादी की माला, वो 20 रुपये का एक उसका टिकट है, जो लोग उसको ट्राई कलर कि वो माला होती है उसको पहन के जाते हैं, बड़े खुशी से पहने रहते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो एक छोटा सा रुमाल है जो नगरोटा में मिलिटेंसी अफेक्टेड फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पर, वो उसको सिलती हैं, तो वो ले सकते हैं। तो 20 रुपये का टिकट जो है नगरोटा जेएनके की तरफ, जी हाँ, जम्मू तो वहाँ भी रोज़गार चल गया, वहाँ भी रोज़गार चल रहा है और उससे हम लोग रोज़गार दे रहे हैं। तो वो भी एक स्टील का मोन्यूमेंटल चरखा जो है आज बहुत पॉपुलर हो गया है। और कनॉट प्लेस की वो जगह जो राजीव चौक कहलाती थी, मुझे कहने में बड़ी खुशी है कि आज उसको लोग चरखा चौक के नाम से जानते हैं, क्योंकि चरखा जो है वो बहुत दूर से दिखाई पड़ता है, चारों कॉर्नर से दिखाई पड़ता है। उसके बाद अभी हम लोगों ने जो है साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद का एक आइकनिक जगह है, वहाँ पर एक चरखा लगाया है, वो भी स्टील का विशाल चरखा है। और उस चरखे को जो लगाया है वो यूँ आप कहिए कि साबरमती आश्रम जो गांधी जी का है वो बिल्कुल ठीक अपोजिट है उसके, और उस आश्रम से ये चरखा जो है विजिबल है। ये उसकी ब्यूटी है कि जब आश्रम में कोई विजिट करे तो इस स्टील के विशाल चरखे को जो है देखा जा सकता है। और उसको जैसे कि आपको मालूम है कि आगरा में लाल किले से जो है ताजमहल दिखता है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न जो है हम लोगों ने कोशिश की है कि जो भी आश्रम को विजिट करे उस चरखे को भी यहाँ से देख सके। उसका मकसद ये है कि लोग जो हैं चरखे से जुड़ें, ये हमारी जो हेरिटेज है इसको हमें बचा के रखना है, क्योंकि खादी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसको आप जो है एक दूसरे नज़रिए से देखिए, ये हमारी देश की वो हेरिटेज है जिसने हमें आज़ादी दिलाई है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा फैब्रिक नहीं है जिसने किसी देश की आज़ादी में रोल अदा किया, आज़ादी की आवाज़ बना बिल्कुल अदा किया हो, और ये इस देश की धरोहर है, तो इसे बचाना हमारा फ़र्ज है। उसके साथ साथ मैं जो कहना चाहूँगा कि सिर्फ धरोहर है इसलिए मुझे बचाना है या हेरिटेज है हमारा इसलिए बचाना है, उसकी ज़रूरत नहीं। खादी के अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ इतनी अद्भुत हैं जो किसी भी दुनिया के फैब्रिक से जो है मैच नहीं किया जा सकता। एथिकल है, डेफिनेटली एथिकल है, एथनिक है, दोनों चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जैसा आपने भी कहा जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस फैब्रिक के अंदर हैं। और क्योंकि हैंड्समैन एंड हैंड वुमन है, इसमें कोई पावर यूज़ नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे सुंदर जो है कोई फैब्रिक नहीं हो सकता। और अगर आप फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें तो जैसा ऋतु जी ने कहा कि खादी एक लग्जरी है, इसको पहनना अपने में एक स्टेटस सिंबल है, और लोग आज जो है पहन रहे हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ ने खादी को अडॉप्ट कर लिया है। और धीरे धीरे जो है हम लोग जैसा कि मिस शर्मा ने भी कहा कि वो एक कैंपेन चला रही हैं, और इस कैंपेन से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो है खादी जो है एक बहुत बड़ा सिंबल बन के सामने आएगा और एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे कि हाँ आप कह रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री विद यू, खादी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ असर्टिंग वन्स आइडेंटिटी नाउ, अपनी पहचान का एक जरिया बन गया है। और इसी पे मैं आपसे जानना चाहूँगी परिधि, कुछ बेनिफिट बताएं आप खादी के, किस तरह से वुमन को एम्पावर किया गया है, राइट, शॉर्ट में। देखिए जैसे खादी के बारे में हम बता ही रहे हैं कि इको फ्रेंडली जो इसका सबसे मेजर पार्ट है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बिकॉज हैंडस्पन हैंड वुवन है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है दैट खादी कैन बी अ सॉल्यूशन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ये एक इकलौता फैब्रिक है जो ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचा सकता है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि अगर हम इसकी इस पॉइंट को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि 70% ऑफ द वीवर्स, 70% ऑफ द स्पिनर्स इन दिस इंडस्ट्री आर ऑफ वुमेन ओनली, एंड दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम अदर देन स्पिनिंग द यार्न एंड यू नो बीट बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, यू नो दैट इज वूल, कॉटन और सिल्क। So it completely provides the sustainable, employment to the spinners and weavers across. Absolutely. और इसी बात पे हम ले चलते हैं आप सभी को पटना, जहाँ पे इसकी एक बेनिफिशरी कल्पना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रही हैं। कल्पना जी नमस्कार, वेलकम टू न्यू इंडिया संकल्प। बताइए आप क्या पूछना चाहेंगी? कल्पना जी
जी जी नमस्कार जी। पहले मैं अपने बारे में, पहले मैं खुद के बारे में बता दूं। हमारे साथ देश के टॉप विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं। तो मैं विश्व प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क की मास्टर वीवर हूं और इस इंडस्ट्री में वोमेन एंटरप्रेन्योर्स पहली हूं भागलपुर में। तो जितनी सारी विशेषता है वो सारी बातें तो हमारे विशेषज्ञ बता ही चुके हैं। मैं सोचती हूँ कुछ बिल्कुल ज़मीनी बात मैं बता दूँ। खादी और हैंडलूम में ग्रेट डिफरेंस है। और जितने बहुत अच्छा लगा, चरखा ईटीसी सारा बात हम लोग सुन चुके। तो मैं तो दिन रात ज़मीन पर बैठकर अपने व्यूअर्स के साथ चरखा, हैंडलूम, खादी उसको दिन रात बैठती हूँ और अपना काम करती हूँ। हमारा 19 हैंडलूम चलता है और खादी पर काम है, हैंडलूम पर काम है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि खादी और हैंडलूम में अंतर क्या है। ये लगभग 90% लोग मार्केट में कन्फ्यूज हैं कि खादी क्या है और हैंडलूम क्या है। खादी का है कि हमारा जो हाथ से काटा है और बुना जाए वो हमारा खादी हुआ। और हैंडलूम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि यदि हमारा धागा मील का भी हो लेकिन यदि हमारा वीविंग हैंड के द्वारा हो रहा है तो वो हैंडलूम है जी। तो ये डिफरेंसेस बहुत ही कम लोगों को पता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न भी है। हाँ बिल्कुल। तो दूसरा सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऋतु जी जैसे लोगों के साथ हमारी बात हो रही है और टॉप विशेषज्ञ को देख रही हूँ। मैं बिहार में वोमेन इंटरप्रेन्योर के लिए क्या संभावना है और मोदी जी अभी जो चाह रहे हैं, मन की बात को मैंने सुना है तो मैं अपनी बात को बताना चाह रही हूँ। ये तीसरा शायद आज़ादी होगा बिहारी का, बिहारी वोमेन इंटरप्रेन्योर का। पहले तो गांधी जी ने इसको स्वराज के लिए किया, अभी वो अभी हमारे सरकार के द्वारा हो रहा है। और अब मैं ये कहना चाहूँगी कि वोमेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए खादी और हैंडलूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि खादी के धागा से लेकर हम मतलब रुई से धागा निकालने से लेकर मार्केट तक हम लोग एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच कल्पना जी, अपनी बात कही आपने। और जैसे कि इन्होंने बताया है जननी है जो टेक्सटाइल है उसकी जननी खादी ही है, अगर कहना चाहे तो धागा तो पहला खादी का ही है। और इसी बात पे ऋतु, आई लाइक टू आस्क यू, व्हाट हैव यू डन इन द पास्ट 2 इयर्स, यू गिवन सच अ पुश मोमेंटम टू खादी, तो क्या कुछ आपने किया और क्या कुछ आपका विजन है आगे करने के लिए? सबसे पहले तो बहुत ग्राउंड वर्क तो मिस्टर सक्सेना करते थे एंड आई एम द क्रिएटिव माइंड हु गिव्स द आइडियाज, बट आई रियली थिंक दैट सब लोग कहते हैं कि खादी को ग्लोबल करो, खादी को ग्लोबल करो, बट आई बिलीव दैट वी हैव अ वेरी वाइवेशियस यंग इंडियन, यू नो वी आर 1.3 बिलियन, इट्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ। So for me, my greatest dream, and that's what I try to work for, is that each and every Indian should wear khadi. Okay. So when I go somewhere and I go to a college and I'm speaking at with students, I'm always one of my first questions is how many of you are wearing khadi? Show of hands. And unfortunately, there are not as many hands as there should be. You know, the auditorium should have. एवरी हैंड चुनौती है एक हमारे so, लिए। मेरे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा यूथ दे हैव टू गो क्रेजी अबाउट द फैब्रिक, सो द डिज़ाइन, द लुक, द वेरेबिलिटी, द प्राइस रेंज हैज़ टू बी सच एंड इट्स हैपनिंग। आई मीन फ्रॉम व्हेन वी स्टार्टेड टू टुडे इट्स ह्यूज, बट देयर सो मच पोटेंशियल टू गेट द यूथ इन्वॉल्व्ड इन दिस ह्यूज मूवमेंट। इट हैपेंड यू नो प्री इंडिपेंडेंस एंड फॉर इंडिपेंडेंस, but post independence today is the time when we need the youth to get together and main sochti hu ki khadi ek aisa fabric hai that can unite the Indians together, khadi for absolutely. Unity, yes, you yes. know, so I feel that through the fabric we can create this great movement amongst the youth that
you know, we are together, we are Indians, we are proud Indians, and we are going to be the international force to reckon with. We are going to be the force, as the Prime Minister says, that the world will look at, which is happening thanks to the Prime Minister. The whole world is now giving India a grand salute, which it deserves. So I feel that Khadi can be a great weapon, a great tool to achieve this. Like Ahimsa was. Ahimsa is so central to our worldview. Absolutely. How many of us are following it? Similarly, Khadi. And there's nobody in the world who doesn't know Mahatma Gandhi and Khadi. You know? They're synonymous. It's so easy. And it's such an amazing, we have a great product here. We are of that, you know, rich culture heritage that we need to be really always be proud of. What you said very rightly, we need to popularize it further so as to take it to the youth as a movement. No, it's very popular. But I think, you know, we did a collection for Diwali. And the perception is that khadi cotton hi hota hai, but khadi comes in silk as well. So we did a lovely collection for Diwali, and we had a great exhibition, and about 80% of my clients wore khadi for Diwali, and it was amazing to have for weddings, for Diwali, the young those Indians kind of bordered sarees and wearing khadi, and why not? So my plea and my great hard work is to make sure that everybody takes pride in our Indian fabric and wears more of it. Ritu, on that note, I want to ask you something further, you know, because you've been doing a lot of things with the railways. So how's that now? Well, can you I've worked with the railways for their uniforms, and I've designed their uniforms. But railways is a huge enterprise. And we tried our best to work with Khadi, and we worked with Khadi wherever it's possible. Because khadi is a fantastic fabric for our weather, you know, and khadi is actually an air conditioned fabric which can be worn in the winters and the summer, which people don't know. So we proposed uniforms for the railways in khadi, and they were very well received. Beautifully put. Ab aap se main puchungi sir. जैसे आपने बात की राजा महाराजा मोहनजोदारो में भी पता लगा था खादी के कुछ यू नो सैंपल्स थे पगड़ियों में थे वो आपने कुछ रखे हैं अपने केवीआईसी हेरिटेज लूम्स में व्हाट नहीं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है हम लोगों के जो शोरूम्स हैं या जो म्यूजियम्स हैं लेकिन हाँ चरखे जो करीब 50 साल से लेकर 102 साल पुराने चरखे हैं उनको हम लोगों ने जो अपने खादी के म्यूजियम में रखा है और वो वास्तव में हेरिटेज है हमारी लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि क्योंकि आपने जो है राजे महाराजे पगड़ी पहनते थे महाराजे और पगड़ी उस वक्त खादी ही हुआ करती थी शायद आपने सुना होगा कि भारत को जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सभी ने ये सुना होगा वो हमारी ऑडियंस ने भी सुना जी हाँ वो क्यों कहा जाता था वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वो जमाना था कि उस वक्त लोग जो है हमारे देश का कपड़ा जो है सोने से तौल कर ले जाया करते थे इसीलिए इस देश को जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था जितना कपड़ा इस देश से वो ले जाते थे उसको दूसरी तराजू पे जो है सोना रखा जाता था ये वैल्यू थी हमारे कपड़े की और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस तरीके से एक्सपोर्ट हुआ करता था वो हेरिटेज हमारा धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ आंध्र प्रदेश में एक जगह है पुंडूरू जहाँ जो है जो खादी बनती है वो अद्भुत है उसका मतलब बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता वो इस तरीके से भी हमारी हेरिटेज है कि वो 100 सालों से जो है बनती चली आ रही है और उसको जो महिलाएं बनाती हैं उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अगर आप देखें उसकी जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग जो है एक फिश के जॉ से की जाती है सीड की जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी उसके लिए बहुत सारे कोम बनाने की कोशिश की गई कि जो है उसको क्लीन किया जाए उससे लेकिन वो हो नहीं पाया सिर्फ एक फिश एक पर्टिकुलर फिश है जिसके जॉ से जो है उस सीड को क्लीन किया जाता है और जितने भी उसके रेशे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो कपड़ा बनता है वो कपड़ा इतना अद्भुत है कि उसका फील इतना सुंदर है कि वो दो रंगों में आता है वो दोनों कॉटन जो है एक वाइट होती है और एक रेड कॉटन कहलाती है जो नेचुरल है उसमें कोई कलर नहीं होता है और वो महिलाएं उसको अगर आप बनाते हुए देखें तो आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है तो ये हमारी हेरिटेज है इसको बचाना हमारा फ़र्ज़ है एक ज़माने में उसका सेल जो था करीब 50 करोड़ का था साल का जो घटते घटते 5 करोड़ पर आ गया उसको हम लोगों ने अभी रिवाइव किया है और उसको हम अभी और कर रहे हैं कोशिश कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जुड़े, बात करेंगे हम कुछ और स्कीम्स की। ऋतु, इससे पहले कि मैं सर से स्कीम्स के बारे में जानूं, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूं मैं, क्योंकि आई थिंक यू आर यू नो स्केड्यूल्ड टू बी एल्सवेयर, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, इज व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू द बेस्ट फैब्रिक दैट इज अपीलिंग एज फार एज योर सिलेक्शन गोज इन खादी टू द यूथ? Is it a kurta? Is it a, you know, gamcha, which a auto wala is, you know, kind of holding Jee. Or a coolie is holding? What in that segment or in that vertical do you see? I really love our Indian cotton. And the variety in the khadi cotton is unbelievable. You know, you get thick khadi cotton and you get really fine, very thin, very beautiful fabric out of which we've made big angarkhas. And nobody can believe it's khadi because it's so fine and it's so, the count is so so special and it's a very beautifully made fabric. So for me, it's definitely the khadi cotton that that appeals to me a lot. And on that beautiful note, I'd like to thank you for joining us, Ritu ji. Thank you. And more power to you. More power to India, more power to khadi. और सर, अब हम जानकारी लेते हैं, देखते हैं खास रिपोर्ट कुछ स्कीम्स के बारे में जो खादी से जुड़ी हुई हैं। हैंडलूम टेक्सटाइल इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। एज अ सेक्टर इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 44 लाख पीपल। फ्रॉम टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड मेनी स्कीम्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड ग्रोथ ऑफ हैंडलूम सेक्टर। To provide premium handloom products with zero defect and zero effect on environment and increase the earning of weavers, India Handloom brand was launched by Honorable Prime Minister on the first National Handloom Day in the year 2015. So far, 780 registrations have been issued under 97 product categories and 25 partnership retail stores are operating all over India. Launching of Weaver Mudra Scheme. The scheme is providing loans at 6% interest rate for a period of 3 years with a margin money assistance up to 10,000 and credit guarantee for 3 years. With the issue of RuPay card to withdraw the loan amount up to Rs. 50,000 through ATM, the procedure has been further simplified. As per a sample study, the income of beneficiaries has enhanced by 50% after availing loans through this scheme. Launching of Hatkargha Samvardhan Sahayata on National Handloom Day 2016. The scheme provides 90% financial assistance for looms and other accessories to improve productivity. Till now, purchase of 37,098 looms and accessories has been sanctioned under this scheme. Introduction of ERP and launch of eDhaga app. Enterprise Resource Planning System, ERP. Is facilitating quick delivery of materials to weavers by making supply chain more responsive. New vision to promote age-old legacy of India. विनय जी, कुछ बात खादी की आपसे जानना चाहूंगी, कुछ बात गांधीयन फिलॉसफी की, कि गांधी जी ने एक बार मेरे ख्याल से कहा था कि आई सी गॉड इन एवरी थ्रेड, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गांधी जी को दो चीज़ें बहुत पसंद थीं, दो चीज़ें उनकी बहुत नज़दीक थीं, पहली सफाई, दूसरा खादी। और शायद आपको मालूम ही है कि 2 अक्टूबर 2018 को 150वां जो है एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की, जो बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसे पूरा देश जो है बहुत ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोगों ने अभी एक कैंपेन चलाया और बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को ये चिट्ठियां लिखी कि आप अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको खादी की ड्रेस जो है वो बहुत बढ़िया। तो उससे जो है गांधी जी की दोनों चीज़ें जो है कवर होती हैं, एक तो सफाई और दूसरा खादी। मुझे बताने बड़ी खुशी है कि पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है हम लोगों को अभी एक ऑर्डर दिया है जिसमें हम करीब जो है उनको 20,000 ड्रेसेस जो हैं उस के दे रहे हैं और 15 अगस्त को वो उसको लॉन्च करने वाले हैं। इसी तरीके से और भी कॉरपोरेशंस हैं जिनके से हमारे पास बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए हैं। तो ये एक नई चीज़ है जो अभी तक कभी इस तरीके की बातों को अप्रोच नहीं किया गया था, कभी सोचा नहीं गया था। और मैं समझता हूँ कि इस
तरीके के ऑर्डर से जो गांधी जी का एक सपना था सफाई का, खादी का, वो दोनों तो पूरे होंगे। उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल पटना में हमको करीब 35,000 मीटर कपड़ा जो है यूज़ होगा उन ड्रेसेस में, तो उससे कितने सारे आर्टिजन्स हैं जिनको काम मिलेगा, कितनी ऐसी खादी की इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको काम मिलेगा, तो ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। एब्सोल्युटली। एंड आई'd लाइक टू इंट्रोड्यूस ईरा शिंगल जी टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड नीडलेस टू से द होल इंडिया नोज यू। शी इज द यूपीएससी टॉपर एंड नाउ द एसडीएम एट अलीपुर। थैंक यू सो मच, यू डन मार्वेलस वर्क फॉर खादी दीज लास्ट 2-3 इयर्स, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट। आपके क्या विचार हैं खादी की अगर बात की जाए तो? आई थिंक अगर हमारे देश को, हमारे सोसाइटी को प्रॉपरली डेवलप होना है तो हमारे रूरल इंडिया को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, एंड रूरल इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट डेवलप बनाने के लिए खादी का बहुत बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स हम भूल गए हैं, एंड जैसे कि अभी मैं सुन रही थी तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है खादी के बारे में, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है होता क्या है। वो एक पुराना कोई आइडिया था और उसे ओवर द इयर्स हम भूल चुके हैं। जैसा कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि खादी खाली कॉटन में नहीं होता है, खादी सिल्क में भी होता है, एंड तो मतलब शुरुआत तो हुई है, बहुत अवेयरनेस हुई है प्रधानमंत्री के और सर के नेतृत्व में, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बट आपने जो काम किया यूथ को जोड़ने का उसके बारे में बताइए। आई थिंक मेरी स्टार्ट खादी में एक्चुअली पारिधि के थ्रू ही हुई थी। पहला पारिधि ने ही मुझे एक इवेंट में बुलाया था जहाँ ये लोग खादी प्रमोशन पे खादी के ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ कॉलेजेस ढूंढे थे। That was a quite a nice beginning, and उसके बाद हमने साथ में, I was posted in Ministry of Donor as Assistant Secretary, तो उस time पर मैंने एक event किया था, उसमें हमने North East के designers बुलाए थे जो खादी पर काम कर रहे थे, and हमने इसमें इंडिया गेट पर एक फैशन शो किया जिसमें IS officers were the models, and हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस थी। Our whole event was attended by almost 8-10 lakh people. And we introduced khadi in a different manner to everybody. And हमने लोगों को अवेयर कराया कि खादी इज़ नॉट वॉट यू थिंक, खादी इज़ एवरी थिंग दैट यू नीड टूडे, एंड दिस इज़ द मोस्ट ईको फ्रेंडली, मोस्ट हेल्दी फैब्रिक, मोस्ट यू नो, एंड इट्स सो सोफिस्टिकेटेड, इट्स सो सॉफ्ट, इट्स एवरी थिंग दैट यू नीड। एंड हमने ट्राई किया कि लोग कनेक्ट हुए, एंड यू नो इंस्टेड ऑफ गेटिंग यू नो मॉडल्स दैट आर जस्ट मॉडल्स ऑन स्टेज, वी ट्राई टू गेट मॉडल्स दैट पीपल कनेक्ट विद एंड एस्पायर टू बी विद, टू promote khadi and to show what khadi really is. Absolutely. Vinay ji, aapse main usi baat ko continue karke janna chahti hu abhi, jo aapne itna sara kaam kiya pradhanmantri ke netritv mein, kyunki khadi sirf khadi nahi hai, khadi ke sath kafi products hain, jankari sabko honi chahiye, to honey mission ke bare mein main pehle janna chahungi. Honey mission, main mujhe badi khushi hai ki aapne ye sawal mujhse pucha. जहाँ तक मुझे याद है कि 13 दिसंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी एक बनासकांठा की एक डेयरी के इनॉग्रेशन में थे, और उस वक्त उन्होंने वहाँ ये कहा था कि देश में जो है श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति की भी ज़रूरत है, और उनका मकसद ये था कि लोग क्योंकि खादी ग्रामोद्योग में सारी चीजें भी मिलती है, तो दिस इज कनेक्टेड टू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। क्योंकि खादी सिर्फ खादी ही नहीं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है जहां पर विलेज इंडस्ट्री हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है खादी के अलावा। और जब मैंने प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुना और उसके बाद ये जानने की कोशिश की कि इसका क्या मकसद है, तो मुझे बताया गया कि KVIC में ही एक ऐसा डायरेक्टरेट है जिसका काम जो है हनी मिशन के ऊपर किया जाता है, लेकिन वो डायरेक्टरेट जो था डिफंक्ट हो गया था ओवर द इयर्स। फिर उसको रिवाइव किया गया, और करीब 6 महीने की मशक्कत के बाद हम लोगों ने एक हनी मिशन का प्रोग्राम बनाया और उसको हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस प्रोग्राम के तहत हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेनिंग देते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं उससे जुड़ना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, मगर हम पहले चलते हैं गुवाहाटी, वहां पे हमारे से एक बेनिफिशियरी जुड़ रहे हैं और आपसे बात करना चाहिए। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं रविशंकर रवि। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल डेका, आर्ट फेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एक उद्यमी हैं आनंदिता कलिता।
क्योंकि जब हम असम की बात करते हैं, असमिया संस्कृति की बात करते हैं, तो असम का मूगा सिल्क सबसे मजबूत आधार बनकर उभरता है। हमारे साथ आर्ट फेड के एमडी मुकुल तालुकदार जी हैं। मुकुल जी, असम में किस तरह से मूगा सिल्क और इस तरह के हैंडलूम उत्पाद का उत्पादन हो रहा है, या उसमें आपकी संस्था किस ढंग से काम कर रही है? आर्ट फेड एक ऐसा संस्था है, ये एपेक्स लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के ऊपर ही हमेशा काम करते हैं वीवर्स और आर्टिजन को बेनिफिट के लिए। यहाँ पे वीवर्स ज़्यादातर कॉटन में ही काम करते हैं, लेकिन कुछ पार्सल ऐसा वीवर्स भी है जो मूगा सिल्क, एरी सिल्क और मार्बली सिल्क, इस तीनों में भी असम का ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत वीवर्स इसका ऊपर काम कर रहा है। मूगा एक ऐसा धागा है जो असम के अलावा दूसरा स्टेट में, हमारा कंट्री में दूसरा स्टेट में ये मूगा यान मिलना मुश्किल है, कहीं पे प्रोड्यूस नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इनमें से 80% मूगा सिर्फ असम में ही उत्पादन होता है। तो इसका जो कलर है वो नेचुरल गोल्डन कलर है, उसको कुछ, इसके लिए कुछ डाइंग का ज़रूरत नहीं होता है। और इस नेचुरल गोल्डन कलर के लिए ज़्यादातर कस्टमर इनमें अट्रैक्ट होता है, और धीरे धीरे इसलिए इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा होने लगा, और ये एक्सपोर्ट का जरिए भी ये मुगा यान आप मुगा फैब्रिक बाहर ले जाते। मुकुल डेका जी, मैं आपकी तरफ फिर लौटूंगा। मैं आनंदिता से जानना चाहूँगा, चूँकि वो खुद उद्यमी हैं और बाहर भी माल सप्लाई करती हैं देश के बाहर, तो आप किस ढंग से ग्राहकों की मांग बढ़ी है, जो ट्रेडिशनल मांग थी और अभी की जो मांग है वो किस तरह से बढ़ी है, और किस तरह से आप ग्राहकों को यह माल आप सप्लाई करती हैं? बाहर में तो फैब्रिक जाता है, होम फर्निशिंग डिज़ाइन थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, कस्टमाइज भी हम लोग करते हैं, होम कर्टेंस वगैरह, ब्लैंकेट, कारपेट, फैब्रिक्स, ये सब हम लोग बनाते हैं मूगा के, मूगा से। और जिस तरह पूरे देश में खादी को लेकर नए नए जो ट्रेडिशनल फैब्रिक्स हैं उसको लेकर एक माहौल बना है, उसमें नई डिजाइन आ रही है, तो उसमें आप किस तरह की चीजें, मांग बढ़ी है, किस तरह की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान गया? वो भी बहुत डिमांड पे आया है। खादी का हम लोग जेंट्स वेयर शर्ट बनाते हैं, वो भी बहुत डिमांड में आ रहा है खादी। डेका साहब, आप जो बुनकर हैं असम में, आप बता रहे थे कि करीब 15 लाख बुनकर हैं जो ट्रेडिशनल हैं, तो कैसे आप उनको जोड़ रहे हैं, और यह जो एक एक बहुत अच्छा आय का भी जरिया है लोगों के साथ, उसको आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, एक दो लाइन में आप जरा सा बताइए। एक्चुअली हम लोग एक सिरखा समवाय समिति है, और हमारे अंदर 1038 शेयर होल्डर सोसाइटी है, प्राइमरी सोसाइटी। वो सोसाइटी का जो अंडर में जो वीवर्स है उनको हम लोग रॉ मटेरियल सपोर्ट देते हैं, और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट वो बाई बैक करके हम लोग कलेक्ट करके उसको हमारा शोरूम में सेल करते हैं, और वीवर्स को जो मजूरी, वो मजूरी हम लोग की तरफ से पेमेंट किया जाता है। इस तरफ असम में जो टोटल 11 लाख लूम है, और इसके अगेंस्ट में 14 लाख ये बुनकर उसमें काम कर रहा है, लेकिन इतना तो वीवर्स हम लोग कवर नहीं कर पाते अकेले, तो 2-3 लाख वीवर्स हमारा जो का अनुष्ठान है, हमारा जो सोसाइटी है उसका अंडर वो लोग काम करते हैं, और रॉ मटेरियल सपोर्ट मिलते हैं, और उसको मार्केटिंग सपोर्ट भी हम लोग की तरफ से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल डेका जी और अंदिता जी इस चीज के लिए, जानकारी के लिए। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से असम में मूगा और इसके अलावा भी जो स्थानीय ट्रेडिशनल सिल्क है उसमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई डिजाइन का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उसका एक बड़ा बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा है। धन्यवाद गुवाहाटी से। बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल सही जैसे इन्होंने कहा, खादी हैज यूनिक अपील, और जो हमारे देश की सतरंगी विरासत है असम से कन्याकुमारी तक उसको दर्शाता है। इसी बात पे ईरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में गई तो आपने क्या महसूस किया कि कौन से एरियाज में ज्यादा पॉपुलर है, कंसीडरिंग द सेवन सिस्टर्स, व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट? असम बीइंग द मेन स्टेट, द बिगेस्ट स्टेट,
which connects all the areas. Assam mein sabse zyada manufacturing as of date hai khadi ki, but aisa nahi hai other states mein nahi hai. In fact, Manipur mein to humne Imma market mein bahut shopping kari thi Manipuri silk ki. Wo apne aap ek bahut unique silk hai aur aap use dekhenge to aapko lagega nahi ki ye silk hai aur itna sundar hai. Wahan uski chunniyan use hoti hain jo wo चुन्नियों को वो लोग वेडिंग्स में पहनते हैं तो उनकी वो मेन जो डेकोरेशन होती है कपड़े ड्रेस की वो चुन्नी से उससे होती है हम लोग उनको लाए और हमने उनके कुर्ते बनवाए उनकी यू नो एंड उनको हम पहनते हैं इतने सुंदर हैं वो प्लस आप नागालैंड में बहुत अच्छा सिल्क नागालैंड कोहिमा में स्पेशली दीमापुर में बहुत हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं अपना एक वेरियंट है इस खादी सिल्क का एंड इट्स आई थिंक अमेजिंग अमेजिंग परिधि व्हाट अबाउट सिग्नेचर फॉर खादी ये कैसी मूवमेंट है और आई आल्सो वांट टू आस्क यू अनदर सब क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस जो इससे पहले मुझे पूछना चाहिए बिफोर आई टॉक अबाउट सिग्नेचर इज दैट हॉस्पिटल्स में आपका बहुत काम होने वाला है अब सो हाउ डू यू प्लान टू डू दैट देखिए हॉस्पिटल्स में जैसी रिक्वायरमेंट है जैसे जो हमने पहले ही जिक्र किया कि जो खादी है वो इको फ्रेंडली है तो इको फ्रेंडली होने के कारण क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक है तो हॉस्पिटल्स के लिए मुझे लगता है ये सबसे फेवरेबल फैब्रिक हो सकता है खादी जिसकी सप्लाई हम लोग काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर करवा कर काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे बनवा कर काफ़ी क्लस्टर्स में हम लोग उनकी एम्प्लॉयमेंट देकर अगर मैं बात करूँ बहुत से ऐसे क्लस्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है मैं कैलकटा में जब गई थी तो मैंने देखा कि फाइनेस्ट मसलिन जिसको हम देखते हैं जिसे हम बोलते हैं फाइनेस्ट मसलिन 150 काउंट से ऊपर जिसको वो बनाते हैं और तो अगर वो चीजें अगर हम हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट करें यू नो लिनन्स की तरह बेड कवर्स की तरह नैपकिन्स की तरह तो वो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मेडिकेशन सोल्यूशन वो हमारा लिए बन सकता है Absolutely, and उससे बिक्री कितनी बढ़ेगी रोजगार कितना बढ़ेगा I'll talk about signature a little later. अभी हम जुड़ते हैं we have a live caller from Hyderabad, my city. Yeah. नमस्कार नमस्कार मेरा नाम तड़का रमेश तेलंगाना स्टेट में पोचमपल्ली भूदान पोचमपल्ली गांव का मैं मास्टर वीवर हूं और साथ में मास्टर वीवर का जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं भी हूं हमारा गांव में ये हम कम से कम 80 लूम पर्सनली हम मेंटेन कर रहे हैं हमारा जो लूम के अंदर ये टाई एंड डाई वेराइटीज हम ज़्यादा बनाता है हमारा गांव में भी पूरा हर हमारा गाँव के अंदर कम से कम 2000 लूम्स है और ये हमारा गांव में ये चार पाँच साल से जो हमारा केंद्र प्रभुत्व ने जो स्कीम्स जो बनाया उसका वजह से हमारा जीवन प्रमाण भी बढ़ गया था उसका साथ में एक स्कीम के बारे में मेन यंग जनरेशन को जो काम में आया वो स्कीम जो दिसंबर 2017 में गौरवनीय हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और टेक्सटाइल मिनिस्टर गौरव श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने जो स्टार्ट किया था वो स्कीम समर्थ स्कीम जो है वो समर्थ स्कीम का वजह से जो यंग जनरेशन को आगे ये टाई एंड डाई और हैंडलूम में आने का जो चांस है वो बहुत मिल गया था और ये यंग जनरेशन ये फील्ड में आना भी बहुत ज़रूरी है वो लोगों को ये काम में आए तो उसका जो उसके अंदर जो स्किल है वो पुराना लोगों से अभी जो यंग जनरेशन का जो माइंड का आज का जो टेस्ट आज का जो फैशन में वो लोग कुछ चेंज करने का आवश्यकता मिल जाता इसका वजह से ये समर्थ स्कीम के वजह से हमारा तेलंगाना में दो क्लस्टर आया हुआ है ये हमारा ये क्लस्टर का वजह ये क्लस्टर आने के बाद भी हमारा जीवन प्रमाण भी बहुत अच्छा बढ़ गया था उसका वजह से हमारा गांव के अंदर यंग जनरेशन बहुत लोगों ने हमारा ये फील्ड में आ गया उसके बारे में हमारा गांव के अंदर बहुत लोगों ने आज ये हमारा टाई एंड डाई के अंदर कुछ न्यू स्किल्स
न्यू स्किल्स सीख लिया था वो ये स्कीम के जो बनाया इसका वजह से हमारा जो प्रमाण बढ़ गया था उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को हम प्रमाण कर रहा है और उसका साथ में और भी और सरल और हमारा ये हैंडलूम इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए ये केंद्र सरकार ने और अच्छा अच्छा स्कीम बना के ये हैंडलूम को बचा के और आगे लेके जाता बोल के हमारा आशा है। हम प्रधानमंत्री को प्रत्येक धन्यवाद दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और जैसा कि इन्होंने कहा, स्मृति ईरानी जी की बात की इन्होंने, तो वो जो हैशटैग चला था आई लव हैंडलूम, हैंडलूम्स आर कूल, आई थिंक दैट ट्रेंडेड फॉर इन ट्विटर फॉर लॉन्ग टाइम, यू नो, सो दैट वॉज अ वंडरफुल मूवमेंट लाइक ही स्पोक अबाउट। तो मैं यहाँ आपसे बात करूंगी विनय जी, आपने कुछ नया शुरू किया है खादी से जुड़ने का ले लद्दाख में, उसके बारे में आप बात करें क्योंकि यू नो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए खादी तो वैसे पूरे देश की धरोहर है और अभी हम लोगों ने पहली दफ़े जो है लेह लद्दाख में खादी के एग्जीबिशन को लगाया। इसके पहले आज़ादी के बाद पहली दफ़े जो है वो नेशनल एग्जीबिशन जो है श्रीनगर में लगी, जो पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा। और वो एग्जीबिशन नेशनल एग्जीबिशन जो हुई उसमें करीब 5 करोड़ रुपए का सेल हुआ, जबकि लोग ये कह रहे थे कि शायद वहाँ जाना संभव नहीं है, अनसेफ है, ये है वो है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। इसी तरीके से लेह लद्दाख में भी हम लोगों ने जो है ये काम किया। लेह लद्दाख में भी हम लोगों ने जो और काम शुरू किए हैं वो ये है कि हम वहाँ पर PMEP जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है, वहाँ से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और वहाँ के जो छोटे छोटे से उद्योग हैं उसमें ट्रेनिंग देकर उनको जो है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि रोज़गार उनको उनके घर पर ही मुहैया हो जाए। क्योंकि लेह लद्दाख बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, वहाँ हनी मिशन से उनको जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि मधुमक्खी वहाँ नहीं रह सकती है। तो जो नीचे के इलाके हैं, जो श्रीनगर का इलाका है, अभी हम लोग जम्मू का इलाका है, कुपवारा का इलाका है, इन सब इलाकों को जो है हनी मिशन से जोड़ पठानकोट इन सब में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने पिछले महीने ही आर्मी के सहयोग से जो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है वहाँ लोकल लोगों को 2300 बी बॉक्सेस जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और आर्मी ने जो है उसमें जो 20% कंट्रीब्यूशन होता है वो आर्मी ने पे किया है, जो अपने में एक खुद बहुत अद्भुत सी बात है। और इस मिशन से हम लोगों ने जो है करीब 230 फैमिलीज को जोड़ा और अब उससे इनकरेज होकर हम उसको और ऊपर के इलाकों में लेके जा रहे हैं। दिस इज वेरी डियर टू द प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट। और जैसे मैं बता रहा था आपको कि अभी तक हम लोगों ने करीब 7-8 महीनों में 27,000 बी बॉक्सेस जो है पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और 130,000 बी बॉक्सेस जो है हम नवंबर दिसंबर। यहां पे मैं कुछ रोकूंगी आपको, एक मिनट के लिए माफी चाहती हूं ईरा जी। हाउ डू यू थिंक वी कैन कनेक्ट ऑल दिस टू ई कॉमर्स? एंड एक्चुअली खादी की आज के डेट में अवेयरनेस बढ़ रही है एंड most of the youth and especially if we talk about working people, किसी के पास time नहीं है वो दुकानों में जाके, so हम regular e-portals जो हैं उन्हीं पर अगर खादी के fabrics and खादी की lines को launch करें तो ये बहुत अच्छा solution है। plus घर बैठे आदमी वहाँ खादी तक पहुँच जाएगा। आज की date में खादी को ढूंढने जाना पड़ता है, being very honest about it, ये सबसे बड़ा problem है। मुझे अगर खादी खरीदना है तो मुझे खादी का particular store ढूंढना पड़ता है। You mean like Flipkart, Amazon? उन पे अगर हम डालेंगे, आपकी तो हो गई है। मैं बताना चाहूँगा कि Paytm पे खादी अवेलेबल है और जी हाँ, ऐसा नहीं है, और करीब एक साल पहले हम लोगों ने जो है उसको कर दिया है। उसके साथ साथ अभी हमारे 8,057 जो है स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री हैं और वो भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके अलावा भी शायद खादी के स्टोर्स कम पड़ते हैं। अभी हम लोगों ने रेमंड्स जैसी बड़ी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया तो उनके 700 स्टोर्स पे खादी रेमंड्स इज डूइंग समथिंग फॉर मेन। हाँ जी हाँ, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भी। ABFL के साथ हम लोगों ने जो है एग्रीमेंट किया है और उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने जो है अरविंद मिल्स के साथ भी एग्रीमेंट किए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमें मिल रहे हैं। एक रिटेल चेन्स हैं पूरे कंट्री के अंदर जो बहुत बड़ी रिटेल चेन्स हैं, उनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उनके साथ अभी एग्रीमेंट हम लोगों ने किए हैं, जिनके रिटेल चेन्स जहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ खादी कॉर्नर हम डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने नोएडा में ग्लोबस का जो मॉल है उसमें खादी कॉर्नर को डेवलप किया है, वहाँ आपको खादी मिल सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चेन्नई में जो है ग्लोबस का जो एक मॉल है वहाँ पर खादी कॉर्नर को जो है इनॉग्रेट किया, अहमदाबाद में हम लोगों ने किया, बॉम्बे में कॉटन बाज़ार एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, उसमें हम 20 उनके जो है बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं उसमें खादी कॉर्नर
डेवलप कर रहे हैं, वो अभी इसी मंथ 25th को इनॉग्रेट होने वाला है। खादी कॉर्नर के साथ साथ एक कंसेप्ट और हम लोगों ने डेवलप की है, खादी मित्र। खादी मित्र का मतलब है जो महिलाएं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं जहाँ 200-300 फ्लैट्स होते हैं, जनरली हस्बैंड जो हैं वो ड्यूटीज़ पे चले जाते हैं, ऑफिस के काम से चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो महिलाएं दिन भर फ्री होती हैं, उनको हम खादी मित्र बना रहे हैं, वो खादी प्रोडक्ट हमारे पास रखेंगे और उसको बेचेंगे। वी आर कंप्लीटली रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, सो आई एम नाउ गोइंग टू आस्क यू फॉर योर विजन स्टेटमेंट्स, 20 सेकंड्स ईच, आई मीन व्हाट इज इट दैट यू प्लान टू सी फॉर खादी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, वेयर यू वांट टू सी इट गोइंग एंड हाउ। ओके सो टेकिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ our Mahatma Gandhi ji and inspired from our Maninaya Pradhan Mantri Modi ji, we are going to take it forward khadi in various parts of the country now. Along with that, the signature for khadi jiska aapne bhi thodi der pehle zikr kiya tha, wo ek aisa campaign hum chalana chahte hain jo Sankalp for Khadi hai, wo youth ke beech mein hum popular kar hi rahe hain. Signature for Khadi basically un logo ke sath hum jud rahe hain jo already various fields se renowned personalities hain. When you sign for something, you basically accept that thing, and when you accept and endorse it, you endorse it, you flaunt it, and rest people follow that. So this is how we are going to do it. Ira ji, aapka kya sankalp hai khadi ke liye, new India sankalp pe? I think the bigger, mere liye sabse badi baat ye hogi ki mere rural economies mein jo khadi ka aaj contribution kam hai wo badh jaye aur itna ho jaye ki families self sufficient ho jaye, jinko aaj pension ki zarurat hai unhe pension ki zarurat na pade, wo khadi se apna rozgar chala paye, khadi se ghar fill food paye. Absolutely. And sir, aapse puchna chahungi vision statement, 30 seconds. Man, तो कहना चाहूँगा कि देश का हर व्यक्ति जो है वो खादी से जुड़े, और खादी वो धरोहर है देश की जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, और जब आप इससे जुड़ेंगे जैसा कि राजी ने कहा कि देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जब चरखा चलेगा, गांधी जी के शब्दों को मैं रिपीट करना चाहूँगा, उनका कहना है कि जब चरखा चलेगा तो देश जो है देश के अंदर समृद्धि होगी। एंड ऑन दैट नोट आई'd लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर टुडे एंड स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम, एंड लेट्स टुडे टेक अ प्लेज टू रीइन्वेंट खादी, टू रीडिस्कवर खादी, टू सेलिब्रेट खादी, and to take this pledge on our new India Sankalp and resonate with our Honorable Prime Minister's views. Khadi for fashion, Khadi for nation. Thank you for watching, viewers. Namaskar. Thank you.